अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मरहोट टीवी। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि भारत और अफगानिस्तान का मैच मुकम्मल तौर पर पहले से ही फिक्स था। ये वही क्रिकेट टीम थी जो 150 से ज़्यादा रन्स नहीं बनाने देती थी, लेकिन आखिर इस फैसलाकुन मैच में अफगानी बॉलर्स को इतना स्कोर क्यों पड़ा? इस मैच में ऐसा लगा कि अफगानी टीम मैच जीतने में इंटरेस्ट नहीं रखती। इस हवाले से आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जो मैच फिक्सिंग का सबूत है। इस हवाले से आपको मज़ीद मालूमात देता चलूँ कि अफगानी टीम में 7 बॉलर्स शामिल थे। इन तमाम बॉलर्स में मोहम्मद नबी, जिनको एक ओवर में 7 रन पड़े, दूसरा ओवर डालने के लिए नहीं आए, जबकि बाकी के 6 बॉलर्स को एक एक ओवर में 10 से 15 रन पड़े और इन्होंने अपने 4-4 ओवर मुकम्मल किए। राशिद खान को 4 ओवर में 36 रन पड़े और कोई विकेट नहीं ली। नवीन अल हक को 4 ओवर में 59 रन पड़े और इन्होंने 4 ओवर मुकम्मल किए। हालांकि होना ये चाहिए था कि अगर इनको एक ओवर में 15 रन पड़े हैं तो मोहम्मद नबी को आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारतीय बैट्समैन मोहम्मद नबी को खेल नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्होंने दूसरा ओवर नहीं डाला क्योंकि मैच फिक्स था। अफगानिस्तान अगर ये मैच जीत जाता तो सेमीफाइनल में ये टीम जा सकती थी, लेकिन भारतीय बोर्ड ने इन्हें पैसा दिया, आईपीएल में खेलने की लालच देकर खरीद लिया। बहरहाल आखिर में ये वीडियो मुलाहिजा करें। It's a head. Nabi, what are you going to do? Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, we will bowl first. Why? We will bowl first. Okay. 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 We will bowl first.